आइए पेश करते हैं चंदा केसेट के माध्यम से मोहब्बत और मशहरी की बातें। रास्ते में अचानक एक नौजवान लड़की सजी हुई आ रही के कॉलेज के लड़के की नजर उसकी खूबसूरती पर जा पड़ी और अचानक किस तरह से उसने मखौल करनी शुरू कर दी। सुनिए, गोरा गोरा गात तेरा लिया पहर गुलाबी सूट ओ छोरी नखरे आली। गोरा गोरा गात तेरा लिया पहर गुलाबी सूट ओ छोरी नखरे आली। के किस्से में से जब हीरे का निकाह हो गया और हीरे आखिरी मुलाकात करने के लिए
रांझी के पास रात में पहुंच गई। जगा रही है किस तरह से रांझा गुस्से में उससे क्या कुछ कह रहा है। हीरे कहिए रांझे, मुझे नींद आ रही है और अब इतर आने का टाइम नहीं है, मुझे परेशान मत कर। मैं तो रोज की ढाला तेरे तो मिलने आई हूं। मेरी बात सुन ले। मने क्यों सतावे हीरे आके आधी रात में, बैठ के दो बात करूंगी आस की के साथ में। मने क्यों सतावे हीरे आके आधी रात में, बैठ के मैं बात करूंगी आसकी के साथ में। आसकी के साथ में बात करेगी हीरे? हाँ, लेकिन तेरा निकाह तो काने के साथ हो गया। ये आरोप मेरे मतलब आप रांझे। काम का ना कमी गोत नात में, हो गई मजबूर रांझे रात के हालात में। मने क्यों सतावे हीरे आके आधी रात में, बैठ के मैं बात करूंगी आसकी के साथ में। बारात में बोली मत न मारे रांझे मेरे बैठ जागी गात में। मने क्यों सतावे हीरे आके आधी रात में, बैठ के मैं बात करूंगी आसकी के साथ में। हजारे में तेरी आज्ञा मीठी बात में, जो
जो भी कोर करार करे ना मैं ना टूंगी पंचात में। मन क्यों सतावे हीरे आके आधी रात में, बैठ के तो बात करूंगी रांझे तेरे साथ में। मटकी रहत रहत तोरे पगले में मटकी
जिसकी जवान उम्र है। एक नौजवान राहगीर सामने से आती हुई उस चटक मटक बीरवानी को देखकर क्या कहने लगा, ओ साडी आली रूप तेरा खटके चले ना बैरन डटके मस्तानी तेरी चाल से तेरे बटवे जैसे मुंह तेरी गोरे गाल से सादी आली रूप तेरा खटके चले ना बैरन डटके मस्तानी तेरी चाल से तेरे बटवे जैसे मुंह पे गोरे गाल से ताल से साडी आली रूप तेरा
ना खटके चले ना बेरन गटके मस्तानी तेरी चाल से तेरे बटवे जैसे मुंह पर गोरे गाल से मतना परदेसी ते लड़िए मतना बता तेरा के बिगड़ जा सीलक पड़ जारी नाम बता मेरे सीलक हो जा नाम बता जल अग्नि के मारी पड़ जा सरदार ने मेरे सतगुरु गुण भंडारी चंद्र लाल से साड़ी आली रूप तेरा खटके चले ना बैरन दटके मस्तानी तेरी चाल से तेरे बटवे जैसे मुंह पे गोरे गाल से सजनों बात तो बताने की नहीं थी लेकिन महफिल के लोग जब सवाल उठाते हैं तो उनकी बात का जवाब देना भी पड़ता है। ये औरत जात से नायकी थी और वो आवारा लुंगाड़ा वो कौन से ब्राह्मण था और ब्राह्मण भी कौन ये आपको मालूम पड़ जाएगा। उसका नाम था राम अवतार और दोस्तों जब उस औरत ने नहीं मानी तो उसके पड़ोस में जाके बस गया और फिर भी नहीं मानी तो उसकी नेज उचुरा के ले गया। अब तो दोनों की नोक झोंक होने लगी पड़ोसी खड़े हैं किस तरह से बात हो रही है। ओ नाइकी कहते ब्राह्मण के बात से गाली क्यों दे रही है। गाली तो न्यू दे रही हूं कि तुझे मेरी नेज चुरा के ले गया ना। मैं नेज चुरा के ले गया मैं नहीं ले गया कोई और पड़ोसी ले गया मेरा नाम मत ले। अच्छा हाँ ब्राह्मण के मेरी नेजू दे दे क्यों कर खड़ा लखावे खरा बैरन मैंने तो आख्या भी नहीं देखी हेरी आख्या ते बिना देखी क्यों झूठा नाम लगावे खड़ा लखावे तेरी आख्या ते बिना देखी क्यों झूठा ऐब लगावे ब्राह्मण के नाई की ब्राह्मण के नाई की देख मेरी बात सुन ले कह दे मेरी बहुत शोहरत है दुनिया मेरे नाम को जानती है तेरे ऐबा ने नहीं जानती दुनिया बदनाम मत करे ऐबदार बदकार तने ही मेरी नेज चुराई बेमतलब बकवाद करे तेरी बेगा कौन गवाही ऐबदार बदकार तने ही नेज मेरी चुराई बेमतलब बकवाद देगा कौन गवाही अरे अन्याई चोरी करके दिखे रे अन्याई चोरी करके चोरी की चीज छुपावे अरे चोरा का तन पता नहीं मन बिरथा चोर बतावे ब्राह्मण के मेरी ने जू दे दे क्यों कर खड़ा लखावे आंखें ते भी ना देखी क्यों झूठा नाम लगावे ब्राह्मण के ब्राह्मण के नाई की ओ नाई की छोरी कह
के ब्राह्मण के होश में आ जा, होश में। मैं तो होश में ही हूँ, लेकिन तू मैंने आज होश में नहीं दिखता। मेरी बात सुन ले, कहते मैं बता दूंगा तेरी नेजू किसने चुराई है। उसने भी बता दिया छोटू, उसने भी ना। तेरा कसूर नहीं, तेरी खूबसूरती का कसूर है। तेरे बहुत चोर है। चोरी सी ना चोरी, सभी पड़ोसी परेशान करे तनाई की छोरी। मेरा कितना बुरा पड़ोस बचा करे, चोरी सी ना चोरी, सभी पड़ोसी परेशान करे तनाई की छोरी। अच्छा, मेरा होरी अकल खराब है तेरी, पता रे होरी अकल खराब है नासिए, तो सामने मेरे पप्पू खम्मू खगर मावे। अरे बामण के मेरी ने जूते दे, रे बामण के मेरी ने जूते दे, क्यों कर खड़ा लखावे। जक आंखें ते बिना देखी क्यों झूठे नाम लगावे। अरे बामण के नाई की, अरे बामण के नाई की, आज तेरी स्टैंड भी तो पार के फेंक दूंगा तेरी। चक्कर और है ना, अब तो तेरी जवानी का जोश है, कुछ भी कह ले। तेरी चोरी करने की आदत छुटा दूंगी आज तक। अब तो सरकार भी तेरे सामने झुक जाएगी। वैसे नाम मत लगा तू मेरा। अच्छा, तेरी मैं भी दूसरी बटवा दूंगा। मेरे घर साज ने आ जाइए तेरी नेजू और बटबाऊ। अच्छा, तेरे घर और अच्छा, ये भी तो मजा आएगा। देखिए कैसा खुश हो रहा है, इसे तो देखो। बोल, अरे कुएं ते पानी खींचने ने किसकी नेजू लाऊ। मेरे घर साज ने, मेरे घर साज ने आ जाइए तेरी नेजू और बटबाऊ। अरे आदमिया मैं पटवाऊ, तने आदमिया मैं पटवाऊ, तने क्यों मस्करी उड़ावे। ए झूठ बोल कैरी बामण के ने क्यों बदनाम करावे। अरे बामण के मेरी ने जूदे दे, क्यों कर खड़ा लखावे। आंखें ते बिना देखी क्यों झूठा नाम लगावे। बामण के नाई की, बामण के नाई की। और अब चार सखी पास में बैठी हुई है और चरखा कात रही है। चरखा कातते वक्त चारों अपने अपने पतियों का जिक्रा कर रही है, किस तरह से मेरा पति कैसा है, दूसरी का पति कैसा है, तीसरी का कैसा है और चौथी का कैसा है। सुनेंगे चरखा काटे बैठी हुई दो चार सखी, अपने अपने पतियों का मिल करने लगी पर चार सखी। रंग रंगीले चरखा काटे बैठी हुई दो चार सखी, अपने अपने पतियों का मिल करण लगी पर चार सखी।
बारी में सब ते छोटे सजन मेरे कहूं खोल हकीकत सारी में रो रो के मेरी गैल हो लिया भरण चली जल झारी में रहा मैं बोल्यारी गोदी ले ले पीट पीट के हारी में पी के लसी एक रोज मेरा मूत भरा घर बार सखी अपने अपने पतियों का मिल करण लगी पर चार सखी रंग रंगीले चरखा पाते बैठी हुई दो चार सखी अपने अपने पतियों का मिल करण लगी पर चार सखी बड़ा संडा है आवनूस ते भी काला मेरा री रूप गैस जैसा हंडा है धड़ी चून ते कमना खावे मथुरा जी का पंडा है जो इस ते कम भोजन हो तेरी तरत हाथ में डंडा है एक दिन ऐसी मार बजाई मेरा टूटा हार सिंगार सखी अपने अपने पतियों का मिल करण लगी पर चार सखी रंग रंगीले चरखे काते बैठी हुई दो चार सखी अपने अपने पतियों का मिल करण लगी पर चार सखी मगनाड़ हले भूखा पीवे दमा उठे मुंह के दांत और जाड़ हले मरिया मरिया मैं कह के रोवे चलते फिरते गात हले रो मैं दिन रात देख मेरा री माटी के मभाग मिले कोर में रह जाऊं पति क्या पैर सवार सखी अपने अपने पतियों का मिल करण लगी पर चार सखी रंग रंगीले चरखे काते बैठी हुई दो चार सखी अपने अपने पतियों का मिल करण लगी पर चार सखी अलबेला है दीवाले के देखो ते लाखों में एक अकेला है 48 की उम्र बहन और कद में नया नोएला है लज्जा राम साहूकार गुरु के वो राम लाल का चेला है अपने अपने पतियों का मिल करण लगी पर चार सखी रंग रंगीले चरखे काते
बैठी हुई दो चार सखी अपने अपने पतियों का मिले करन लगी प्रचार सखी डालडा की चाहे शहर हो और चाहे गांव हो डालडा की बहुत भरमार है। ऐसा कोई फंक्शन नहीं, ऐसी कोई पार्टी या दावत नहीं कि जिसमें डालडा का इस्तेमाल ना होता हो, लेकिन इस डालडा में कितनी कमियां हैं, इस डालडा की करतूत सुनिए। तेरी खच्चर जैसी चाल यार तेरे मुंह का कौन ठिकाना, तू छोड़ दे गंवार यार इस डालडा का खाना। खच्चर जैसी चाल यार तेरे मुंह का कौन ठिकाना, छोड़ दे गंवार यार इस डालडा का खाना। भगते भगते
पिया तमाकू से तेरी सूरत की के, तेरी सूरत की के पाल थूतड़ा उल्लू सा बन जाना। छोड़ दे गवार यार किस डाल जा का खाना, खच्चर जैसी चाल यार तेरे मुंह का कौन ठिकाना। छोड़ दे गवार यार डाल डा का खाना। पर यो डाल डा नहीं अच्छा है, नसीहत सभी ने है दर मानो तो अच्छा है, जिंदगी सकीमती पर यो डाल डा नहीं अच्छा है। तेरी बुढ़े जैसी नार हाल जा तो जेपी का गाना, छोड़ दे गमार यार डाल डा का खाना। तेरी खच्चर जैसी चाल यार तेरे मुंह का कौन ठिकाना। छोड़ दे गवार यार डाल डा का खाना। समाज सुधार की और कुछ मशहरी की बातें सुनी, आइए अब धार्मिक बात सुनिए भोले शंकर पार्वती की। शंकर जी धुन आरमाए हुए बैठे हुए हैं, पार्वती के साथ भोले शंकर का कई बार विवाह हुआ है और अब शंकर जी तो जानते हैं लेकिन पार्वती को कोई पता नहीं। पार्वती के पिता ने बताया, बेटी तेरे पिछले जन्म का पति जो आज भी जिंदा है तू निरमाए बैठा है और तू जाके अपने विवाह की विनती कर ले। शंकर जी जानते हैं, दोनों के जवाब सवाल होने शुरू हो गए। खंडित करा मेरा बनी भगत नाशनी पार्वती, मैं दर्श करण ने ताकी थारे सुपूर्व जन्म की पार्वती। दूना खंडित करा मेरा बनी भगत नाशनी पार्वती, मैं दर्श करण ने आगी थारे सुपूर्व जन्म की पार्वती। पिछले जन्म की पार्वती? जी हाँ महाराज। लेकिन मेरा तो तपस्या का समय है, मैं अब तुम्हें पिछाने से इनकार करूंगा, मेरी तपस्या खंडित मत करो। एक भगत कबूतर भजन करे तू बन के बाज चली आई, गुरु नारद के बचना का मैं करण अंदाज चली आई। बैठे हुए हिरण पे तू बन तीर अंदाज चली आई, नाम सुना मने शंकर का सावर कर भाज चली आई। तू करके गर्भ चली आई बन कामदेव की नार रती, मैं करके घमंड नहीं आई मेरी अर्ज करो स्वीकार पति। दूना खंडित करारी मेरा बनी भगत नाशनी पार्वती, तरस करन ने आगे थार सु पछले जन्म की पार्वती।
जालंधर की वृंदावन के, जालंधर की वृंदावन के आई मने मारने री। मैं अनसुया की ढाल पिया आगे सूतने तार नहीं। बूढ़ा बाबा कैलाशी मैं, बूढ़ा बाबा कैलाशी मेरे घलरे सरप नार मेरी। इन सरपा की ढाल भोले तेरा सत्व करो प्यारे में ही। मने जाल में फंसेगी तेरी किसने दी से मार मती। मैं प्रजापति दक्ष की जाई तमिल नयो धार गति। गुना खंडित करया मेरा बनी भगत नासनी पार्वती। सरस करन ने आगे धार सुपूर्व जन्म की पार्वती। मैंने पिछले जन्म की बातें याद है क्या? मैंने सारी बात याद है। के मैन का विश्वामित्र का आगे ध्यान डिगावन ने। पन सावत्री सत्यवान की आगे कष्ट बतावन ने। वीर उर्वशी ढाले आज आ गी मन ने धमकावन ने। तू ते तीसरा खोल देख ले गोरा ने पहचावन ने। तेरी पहचाने ते डूबू पहचाने ते डूबूंगा मैं बीचों बीच मझधार कती। मैं दुर्गे कल्याणी बनके चलते दूं भार कती। दूना खंडित करया मेरा बनी भगत नासनी पार्वती। तरस करन ने आगी धार सुपूर्व जन्म की पार्वती। पार्वती कहिए बोले ना, तू तो हवन कुंड में भस्म हो गई थी। मेरा हर जन्म में आपका साथ रहा है। मेरे साथ? जी हाँ महाराज। सती हवन कुंड में भस्म हुई क्यों बात बनावे छल की। जन्म जन्म चरी गैल रही मैं जगते न्यारा शिव जीरी। मैं जगते न्यारा शिव जी मने समझो कली कमल की। उस राजवीर कके रही बासी की न बात समझ ना हल की। पल पल की और नब थल की, पल पल की और नब थल की वत सभी जानता सार जती। रहे दिव्यायु परे बास मेरा जले संसार बती। दूना खंडित करारी मेरा बनी भगत नासनी पार्वती। तरस करन ने आगे थारे सुपूर्व जन्म की पार्वती। सज्जन साहेबानो, ये सारी बातें आपको इस जमाने की अजीब सी बातें सुनाई जा रही हैं। ये कलयुग है और कलयुग में पैसे की बड़ी कीमत है। वैसे तो चंदा किसी के माध्यम से एक केसी सुनेंगे जिसका नाम है जय श्री नौ ठरे। सज्जनों, आज इस जमाने में पैसे की भूख है। हर आदमी को पैसा चाहिए। कोई एमएलए एमपी बनता है तो उसे पैसा चाहिए। कोई गांव का प्रधान बनता है तो उसे पैसा चाहिए। इस राजनीति की आग में हर आदमी खजाने पर कब्जा करना चाहता है। देश खोखला कर दिया, सीमेंट के बोरे में राख, इस तरह की बात आज हो रहा है समाज में। सारी बातें इस भजन में आपको मिलेंगी। लीजिए सुनते हैं।
नहीं इंसान लगे, चेहरे से कितना चोखा लागे कितना चोखा, पूंजीवाद समाज में सबसे बड़ा हुनर है धोखा। बुरा नहीं इंसान लगे, चेहरे से कितना चोखा, चेहरे से कितना चोखा, पूंजीवाद समाज में सबसे बड़ा हुनर है धोखा। बाप ने कभी यहाँ, नहीं बाप ने कभी यहाँ अपने बेटे को टोक्या, अपने बेटे ने टोक्या, पूंजीवाद समाज में सबसे बड़ा हुनर है धोखा। हलवाई हिंदुस्तानी तंबाकू मर है मिला करी बोल रहा मुगलानी, नंबर तो कमाल पड़ेगी जहर की पुड़िया खानी। खाकर जहर मरे ना साला, खाकर जहर मरे ना साला, जहर भी नंबर दो का, जहर भी नंबर दो का, पूंजीवाद समाज में सबसे बड़ा हुनर है धोखा। करते तुम जनाब हो, सवाल धोखा देने में तुम कितने कामयाब हो, कितने ही व्यसनी हो चाहे कितने ही खराब हो। इनका मौका फिर ना लेगा, इनका मौका फिर ना लेगा, कोई लेखा जोखा, कोई लेखा जोखा, पूंजीवाद समाज में सबसे बड़ा हुनर है धोखा।
एक बे अजमाने पर रिश्वत लेना पाप लिखा दे क्या होगा थाने परी सब जाने यहाँ भेड़ मुड़े हैं जंगल में आने पर लक्ष्मण सिंह से ओखा कह दे लक्ष्मण सिंह के सयोखा कह दे और कहे कि सचोखा और कहे कि सचोखा पूंजी बाद समाज में सबसे बड़ा हुनर है धोखा बुरा नहीं इंसान लगे चेहरे से कितना चोखा लागे कितना चोखा पूंजी बाद समाज में सबसे बड़ा हुनर है धोखा।